इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र, क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। तुझे क्या पता है मुझे तुमसे प्यार कितना, नहीं जी सकेंगे तुम्हारे बिना। तुझे क्या पता है, यूं तो बिछड़ के जी लेते हैं लोग, जाने कैसे दिल के मिटाते हैं रो। यहाँ एक पल लगे सदी के समान, तुझे क्या पता है। हमारा बचपन मासूम होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है हम अपने मासूमियत को खोते जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मासूमियत के साथ साथ अपनी इंसानियत भी खो देते हैं और अपराध के रास्ते पर चलने लगते हैं। आखिर क्यों? क्यों हमारे समाज और हमारे परिवार का कोई सदस्य अपराध के रास्ते पर चलने लगता है? आइए इसका जवाब आज हम ढूंढते हैं इस सनसनीखेज केस में। हाँ जी मैम, बताइए क्या करना है। ऐसा मेकअप कीजिए कि मेरे चेहरे का ये दाग नजर नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरे ये चेहरे का ये दाग दिखे। पर मैम, झूठ बोलने से तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। प्लीज आप मेकअप कीजिए, मैं यहाँ मेकअप करवाने आई हूँ, आपकी लेक्चर सुनने नहीं। अरे रुको, अरे क्या कर रहे हो, ये क्यों लेके जा रहे हो, सामान क्यों फेंक रहे हो बिना। एक अकेली औरत का तीन बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल होता है, इसकी समझ है तुमको? इस तरह सामान फेंकवा दोगे, हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी मैं? अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल के नहीं रखी है, 6 महीने का भाड़ा नहीं देती हूँ, अभी कभी मेरा भाड़ा दो वरना निकलो मेरे घर से बाहर। अरे क्या बात कर रहे हो आप, ये ओ आ गई ब्यूटी पार्लर वाली। अरे तुम ब्यूटी पार्लर में इतना पैसा कमाती हो और तुम्हारी माँ 6 महीने का भाड़ा नहीं देती है। कैसी बातें कर रहे चाचा जी आप, मैं तो हर महीने माँ को किराए के पैसे देती हूँ। अरे माँ को देती हो ना, मुझे देती हो क्या? पूछो अपनी माँ से कि ये भाड़े के पैसे कहाँ उड़ाती है। अरे ये आदमी झूठ बोल रहा है, हर महीने इनके हाथ में पैसे रख कर आती हूँ और अब ये मुकर रहे हैं। मुझे झूठा बोल रही है? अरे तू झूठी, तेरा पूरा खानदान झूठा। ये तुमने अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। एक विधवा औरत के ऊपर हाथ उठाने वाले इंसान के बारे में मुझे जानना भी नहीं है कि वो कौन है। और आइंदा अगर इस फैमिली के आसपास भी दिखे ना तो अंदर कर दूंगा तुम्हें। लेकिन मेरा किराया उसका क्या, वो कौन देगा? ये लोग तो बोल रहे हैं कि दे दिया इन लोग ने किराया। अरे झूठ बोल रहे हैं ये लोग। सच और झूठ क्या है वो जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस फैमिली से दूर रहिएगा। जा सकते हैं आप। आंटी जी, हाँ ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर किसी भी प्रकार की जरूरत हो या प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। बेटा यहाँ जो भी आता है आप उन सबको नंबर देते हो या फिर सिर्फ हमें दे रहे हो? हाँ चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। थैंक यू सो मच। You're most welcome. गधी है तू भी। इंस्पेक्टर जब अपना नंबर दे रहा था तुझे, तो तुझे भी तो अपना नंबर उसे देना चाहिए था ना। क्या माँ तुम भी लड़का देखने की जोड़ी बनाना शुरू कर देती हो। तो इधर। अरे लेकिन अकेली औरत और गोद में 3-3 बच्चे, तुम लोगों की परवरिश के लिए क्या क्या पापड़ बेले हैं मैंने जानती है तू। एक अकेली औरत का समाज में रहना बहुत मुश्किल है, तू नहीं समझेगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे तीनों बच्चे खुशहाल रहे तो इसमें क्या गलत है? हर माँ यही चाहती है ना। क्या माँ, पकड़ो। माँ एक बात बताओ,
वो शुक्ला को आपने सच में पैसे दिए ना? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हे भगवान, मेरे कोख के जने बच्चे मुझ पर ही भरोसा नहीं करते। उठा ले मुझे भगवान, उठा ले। हाँ, इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कॉल तक नहीं किया। बेटा, तू लाइब्रेरी गया था ना? तेरी परीक्षा है ना बैंक की, इसलिए तुझे परेशान नहीं किया। और ये चोट कैसे लगी आपको? तू अपना खून मत जला। थाने में ना एक नया सब इंस्पेक्टर आया है, नवीन। उसने अच्छे से खातिरदारी की शुक्ला की। बहुत खूबसूरत और रोबीला है। मैं पक्का कह सकती हूँ कि उसे तेरी बहन पसंद आ गई है। पर तू जानता है ना इसे, इसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। अरे माँ, क्या रसिका कहाँ पर है? कॉलेज से आई नहीं अभी तक। अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। हाँ दीदी, बोलो। कहाँ है तू? दीदी कॉलेज में हूँ, आज एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा, अलमारी में मेरा पीला वाला सूट रखा था, कहीं मिल नहीं रहे, तू पहन कर गई है क्या? अरे दीदी, जल्दबाजी में ना समझ ही नहीं आया कि क्या पहनूं, इसलिए आपका सूट पहन लिया। क्या यार, हमेशा मेरे कपड़े मेरे झुमके पहनती रहती, इतने तो है तेरे पास। पर दीदी, आपकी पसंद का ना कोई जवाब ही नहीं, मतलब मन में लालच आ जाता है। और वैसे भी आप मेरी बड़ी बहन हो, इतना हक तो है ना। पर चलो, अगर आपको बुरा लगता है तो आगे से नहीं पहनूंगी। अरे नहीं नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। अच्छा दीदी, मैं फोन काट रही हूँ, सर आगे क्लास स्टार्ट हो गया। हाँ ठीक है। जिस दिन आपने उस औरत को घर में रखा था ना, उसी दिन समझ गई थी मैं कि ये औरत कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करेगी। लेकिन मेरी सुनता कौन है? अरे मैं तो सूरत देख के सीरत पहचान जाती हूँ, लेकिन आप तो बस। अरे वो क्या, उसके परिवार में सब के सब एक जैसे हैं। बिल्कुल गलत। उसकी जो वो बेटी है ना, क्या नाम है उसका, मीना, वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन वो शकुंतला और उसकी दूसरी बेटी रशिका, उल्टी है दोनों। जहाँ वो दोनों जाएंगे, राहु केतु पहले पहुँच जाएंगे। अरे लेकिन केस तो उस मीना ने किया था ना। अब पैसे लेकर के मुकर जाएंगे तो कोई क्या ही करेगा। साला, तू मेरा बेटा है, उसका दामाद। काम का ना काज का, बैठा बैठा फिलॉसफी झाड़ता रहता है। चल जा और जाके किराया वसूल करके ले क्या। मुझे नहीं पढ़ना इन सब पचड़ों में, आप ही करो ये नीरस काम। अरे जाता, आज भी जाता, कल भी जाता, रोज जाता, अगर पुलिस वाले ने वहां जाने के लिए मना नहीं किया होता तो। लेकिन तू अभी जा और पैसे लेकर आ। मनोज को ड्रॉप कर दिया कोचिंग क्लास, कुछ सब्जी लेते हुए घर आती हूँ। हाँ सताने में बहुत मजा आता है मुझे। चलो निकलो, खुद दोबारा ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अरे मजाक नहीं करता तो कैसे पता चलता? किस मासूम से चेहरे के पीछे एक योद्धा छुपा हुआ है। तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूँ, इसीलिए तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ मैं। भला ऐसे भी कोई प्यार करता है? अभी सर फूट जाता तो, पत्थर लग जाता तो। तुम्हारे लिए तो मेरा खून भी माफ है। बकवास मत करो, जाने दो मुझे। अरे सॉरी यार, प्रैंक कर रहा था। देखो ना, ये प्रैंक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी बोला ना, अब तुम अपनी मम्मी और मेरे पापा की तरह झगड़ा मत करने लगो, वरना हमारी शादी भी लटक जाएगी। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी? तुम्हें क्या लगता है? अरे मुझे तो लगता है मेरे पापा ही झूठ बोल रहे हैं। मैं तो अपने बेटे से ज्यादा पैसों से प्यार है। मेरी मम्मी भी झूठ बोल सकती हैं।
पैसे कहीं खर्च कर दिए होंगे और अब बहाने बना रही हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैं पूरे पैसे चुका रही हूँ। अरे पैसे की फिक्र किसको है, वो तो मैं पैसे दे दूंगा पापा को और कहूंगा कि तुमने दिया है। रिश्तेदारी अपनी जगह और खुददारी अपनी जगह। ये लो। क्या है ये? है 3 महीने का किराया, बाकी 2 महीने का भी हफ्ते भर में चुका दूंगी। पर यार मीना, इतने सारे पैसे लाए कहाँ से तुमने? सूद पर लिए। अच्छा, मतलब सूद पर ले सकती हो, मुझसे नहीं। भूषण, तुम मुझे समझने में शायद भूल कर रहे हो। मीना, तुम कभी कुछ अपने लिए मुझे करने क्यों नहीं देती हो? प्यार करते हो ना, बस काफी है मेरे लिए। बताओ, तूने दीदी से ब्रेकअप किया क्या? अभी तक तो नहीं, मतलब कंफ्यूज हूँ कि मैं किसके साथ रिश्ता तोड़ूं, किसके साथ निभाऊं। अच्छा, निभाना तो मेरे साथ ही पड़ेगा, वरना जान से मार दूंगी अगर मुझे छोड़ा। अच्छा, एक बात बताओ रसिका, तुम्हें पता था कि मेरा अफेयर तुम्हारी बहन के साथ चल रहा है, तो फिर तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? अपनी बहन से कोई दुश्मनी है क्या तुम्हें? नहीं भूषण, मैं दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, पर क्या है ना, बचपन से हमेशा माँ को ये कहते सुना था कि दीदी की पसंद मुझसे बेहतर है, तो बस ठान लिया मैंने, अब दिमाग लगाना ही नहीं है, जो दीदी का है अपना बना लो। देखो, सूट दीदी का है, चूड़ियाँ दीदी की हैं, झुमके दीदी के हैं, सब कुछ तो दीदी का है, और तो और तुम भी तो दीदी के हो। अच्छा सुनो, अब मैंने तो तुम्हें अपना पूरा सच बता दिया, अब तुम बताओ, तुम दीदी के साथ 1 साल से रिलेशनशिप में थे, फिर मेरे साथ रिश्ता क्यों जोड़ा? क्योंकि जो बात तुम में है वो उसमें नहीं। जैसे कि? जैसे कि वो कभी भी कुछ लेती नहीं मुझसे, कुछ करने नहीं देती, और एक तुम हो जो कॉलेज से पिक करने के लिए भी मुझे बुलाती हो, मुझ पर अपना हक दिखाती हो, उसके साथ ना अपनापन फील नहीं होता मुझे। तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, राजा महसूस करता हूँ, और उसके साथ जब रहता हूँ तो लगता है गरीब हूँ। तो शादी कर लो ना मुझसे, सारी जिंदगी राजा बनाकर रखूंगी और मैं खुद तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। अब इतनी दूर तक तो सोचा नहीं है अभी, मतलब थोड़ा वक्त तो। अच्छी जिंदगी के सपने देखना और महत्वाकांक्षाओं का होना ये गलत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर गलत है कि उन सपनों को, उन महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए अपनों से और समाज से छल करना। छल कपट एक ऐसा जहरीला पौधा है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, और फिर हमारे दिल और दिमाग से सही और गलत का फर्क हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है, और जब हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं तो अपराध होने से कोई नहीं रोक सकता। किचन का काम वाम सब स्किन खराब हो जाती है मेरी, हाथ देखो कैसे हो गए। हाँ हाँ, तुम तो राजकुमारी हो ना, कोई राजकुमार बैठा है तुमसे शादी करने के लिए। क्यों माँ, मुझे राजकुमार क्यों नहीं मिल सकता? मेरी औकात तो ना है राजकुमार ढूंढने की, तुम तीनों को पाल पोस के बड़ा कर लिया यही बहुत बड़ी बात है, और अगर इतना ही राजकुमार का शौक है ना तो खुद ढूंढ लेना। अच्छा, तब कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? खुशी होगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बैंड बाजा बारात कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन किसी मालदार के साथ ही भागना। माँ, ये कैसा पाठ पढ़ा रही हो? जिंदगी का पाठ, जो खुद पे बीती है ना वही सिखा रही हूँ। फूल सिर्फ सपनों में मिलते हैं, हकीकत में पत्थरों से टकराना पड़ता है, इसीलिए भावुक नहीं व्यवहारिक होना पड़ता है।
ही क्या है? एक मिनट, अब लाई मुझे दे, एक मिनट। माँ ये तो बैंक पीओ का पेपर है। हाँ तो दिख रहा है, अंधी नहीं हूँ मैं। तो तुम्हारे पास कैसे आया? अभी तक तो एग्जाम्स भी नहीं हुए, तुम मनोज के लिए पेपर लीक करवाई हो? अब समझा मुझे कि 5 महीने का किराया कहाँ गया। हाँ तो कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा अच्छी नौकरी करे, अच्छी जिंदगी जिए? तू भी तो अपने भाई के लिए यही चाहती है ना कि वो अच्छी जिंदगी जिए। इस तरीके से नहीं चाहती माँ, ये गलत है। क्या सही क्या गलत मैं नहीं जानती, और इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, हजारों और भी है। माँ हजारों लाखों करोड़ों भी साथ हो जाए ना, तब भी गलत चीज गलत ही होती है। हाँ तो मैं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए इस दुनिया का हर पाप करने को तैयार हूँ, लेकिन गलत तरीके से हासिल की गई चीज से खुशियाँ हासिल नहीं होती है माँ। इधर तो मुझे, अरे क्या मीना, 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 तुम जैसी चालबाज औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अरे और कुछ करते नहीं बना, जो चली आई मेरे शरीफ बेटे पे इल्जाम लगाने के लिए, और वो भी सिर्फ इसलिए कि भाड़ा न देना पड़े, जिंदगी भर के लिए छत मिल जाए। अरे अपनी बेटी को तो संभाल ना सकी, चली आई। मेरे बारे में बोला सो बोला, मैं अपनी बेटी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। और क्या शरीफ घर के लड़के ऐसे होते हैं जो शादी से पहले लड़की को प्रेग्नेंट कर देते हैं? अरे तुम्हारी बेटी ने फंसाया मेरे बेटे को, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। अरे औरत के त्रिय चरित्र के आगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो जाते हैं, और फिर मेरा बेटा तो एक साधारण सा इंसान है, अभी उम्र ही क्या है उसकी। 26 साल का हो गया हमारा भूषण, कोई बच्चा नहीं रहा। और रही बात मीना की, तो मीना को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वो अपनी माँ की तरह छल करने वालों में से नहीं है, और इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। खैर जो हुआ सो हुआ, इन सब को भूल करके आगे का सोची। अरे सोचना क्या है, बच्चा गिरवा दो, जो पैसे लगेंगे मैं दूंगा, और तुम्हारा साल भर का भाड़ा माफ। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अगर मीना की शादी भूषण से नहीं हुई तो बहुत बुरा होगा। शादी असंभव। संभव है, कोई बच्चा गिराने की जरूरत नहीं है, वो उन दोनों के प्यार की निशानी है, कोई नाजायज नहीं है। आप जाइए तैयारी कीजिए, हम कल शगुन लेके आ रहे हैं। अरे आप तो भरी जवानी में साथ छोड़कर चले गए, पर ईश्वर का साथ हमेशा बना रहा, और आज ईश्वर की कृपा से मीना की शादी बिना दहेज के हो रही है। बस रसिका का भी कोई ऐसा जुगाड़ करा दो, उसका भी किसी से प्यार करा दो, माथे का बोझ हल्का हो, मनोज की नौकरी लग जाए तो मैं गंगा नहा लूं। बस एक बात का ध्यान रखना भगवान, परीक्षा में वही पेपर आए जो मैंने खरीदा है, और परीक्षा रद्द ना हो, वरना सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। एक अकेली औरत का 3-3 बच्चों को पालना कितना मुश्किल है जानते हो ना आप। माँ तब तक रसिका और मनोज कहीं सेट नहीं हो जाते ना, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे फिक्र रहेगी उनकी। तो बस अपनी फिक्र कर, उनकी चिंता मुझ पर छोड़ दे। तुम अकेले क्या क्या करोगी माँ, कितना बोझ हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। बोझ हल्का हो जाएगा तेरे ससुराल जाने से, कुंवारी लड़की माँ बाप पर बोझ होती है, पता है तुझे? और तेरे तो पापा भी नहीं है, कब तक मुझ अकेली औरत पर बोझ बनी बैठी रहेगी? एक एक करके बोझ हल्का कर लेने देना। अब मुंह मत फुला, हंस, हंसने से चेहरा खिलता है। लगता है वो लोग शगुन लेकर आ गए, तू जल्दी नीचे आ। Thank you.
आशीर्वाद नहीं होगी माँ? तुझे अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं आया? नीच माँ, आपने तो कहा था जा ढूंढ ले अपने लिए राजकुमार। हाँ तो ढूंढने को कहा था ना, अपनी बहन का छीनने को तो नहीं कहा था। पर माँ, भूषण हम दोनों बहनों से प्यार करता था, पर शादी तो किसी एक से ही हो सकती थी ना। तो मैंने कर ली। तेरी बहन भूषण के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये जानते हुए तुझे इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं आया? और क्या करता मैं, मजबूर था मैं, तुम दोनों बहनों से प्यार करता। एक तरफ तुम प्रेग्नेंट थी और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन आत्महत्या करने जा रही थी। अगर मैं इसे शादी नहीं करता तो ये अपनी जान दे देती। एक तरफ एक इंसान जिसने अभी आकार भी नहीं लिया और दूसरी तरफ वो इंसान है जिसने दुनिया में 21 साल गुजार थी। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, तुम्हें जो ठीक लगता है। एक बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन की शादी में क्या करना चाहिए? रसिका, मुझे मालूम था दीदी आप हमें जरूर माफ कर देंगी। आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझे पता है इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझती हैं। कहते हैं कि एक टूटे हुए दिल से निकली हुई बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। इससे पहले कि मेरे दिल से बदुआ निकले, निकल जाओ तुम दोनों यहां से। ये आपने क्या किया भगवान? मैंने आपसे अपने तीनों बच्चों की खुशियां मांगी थी, ये तो नहीं कहा था ना कि एक बच्चे की खुशी छीनकर दूसरे बच्चे को दे दूं? अब आपने गलती कर ही दी है तो कोई बात नहीं, कम से कम किसी एक की नैया तो पार हो गई। पर हे भगवान, अब कोई ऐसा जादू कर दो कि मीना और मनोज भी पार उतर जाए और आप यहां रहते तो कुछ नहीं कर पाए, पर अब तो भगवान के पास बैठे हो ना, पैर भी करो ना उनसे, कुछ तो बोझ हल्का हो मेरा। लो ना। नहीं नहीं, बस वो यहां से गुजर रहा था तो सोचा आप लोग का हालचाल लेता चलो। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, मिलने जुलने से ही तो प्यार बढ़ता है, रिश्ते बनते हैं। बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई बात है, कुछ कहना चाहते हो? शर्माओ मत, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूं ना। वो आंटी, मुझे जो बात करनी है उसके बारे में तो वैसे घर के बड़े लोग बात करते हैं, लेकिन क्या है ना, मेरा कोई है नहीं और मैं अनाथ हूं तो हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं मीना से शादी करना चाहता हूँ। सच बताऊं बेटा, जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, उसी वक्त तुम मुझे मीना के लिए पसंद आ गए थे। हाँ, अब मीना क्या कहती है ये तो उसी से पूछना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आप पूछ लीजिए मीना से और फिर बताइए मुझे। आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा।
अच्छा चलता हूँ। ये दूध में क्या मिला रही हो माँ? वो मीना का बच्चा गिराने का उपाय कर रही हूँ। लेकिन वो तो बच्चा नहीं गिराना चाहती। धीरे बोल, पागल है तेरी बहन। बच्चा पेट में लिए फिरेगी तो शादी कौन करेगा उससे? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, उसे दुनिया भर की सारी खुशियां मिले। तेरी बहन को खुशियां ढूंढना नहीं आता, भावुक है वो और भावनाओं पे दुनिया नहीं चलती। पागल कह रही थी कि बच्चे के बारे में जाकर नवीन को बताएगी, तभी जाकर शादी करेगी। कौन सा मर्द ऐसा होगा जो एक कुमारी माँ से शादी करेगा? एक दिन की गलती की सजा पूरी जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। जानती हूँ मैं एक जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ, पाप है ये। भगवान इसके लिए चाहे मुझे नरक में भेज दे, पर मेरी बेटी को तो इस दुनिया में स्वर्ग मिल जाए। डॉक्टर क्या हुआ? बुरी खबर है, इनका बच्चा गिर गया है। एक्सक्यूज मी मीना, हो सकता है ये ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। जैसे उन्होंने भूषण को तुम्हारी जिंदगी से निकालकर नवीन को भेज दिया। पर माँ, तुम्हें लगता है कि मेरे और भूषण के रिश्ते के बारे में जानकर और बच्चे का सच जानने के बाद भी नवीन मुझसे शादी करेगा? अब करेगा मतलब कर रहा है। मीना, मैं जानती हूँ कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ पर कभी नहीं चलती, इसीलिए मैंने नवीन को सब कुछ सच सच बता दिया है। वो फिर भी तैयार है। तुमसे प्यार करता है वो। अनाथ है तो अकेलेपन का दर्द भी समझता है, और एक पुलिस वाला होने के नाते तो सच का साथ देने का साहस भी रखता है। तेरी कसम, अब बता क्या एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम खाएगी? लीजिए, आपका टिफिन रेडी है। अरे भैया कहाँ जा रही हो? अरे क्या कर रही छोड़िए? अरे बाबा, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है तुम्हें। अच्छा वैसे एक बात बताओ, खुश तो हो ना मेरे साथ? आपके साथ जितनी खुश हो ना उतनी खुश मैं आज तक नहीं रही हूँ। सच्ची? सच्ची। एक मिनट मैं आती हूँ। अरे अरे मैं आती हूँ ना देखकर। कौन है मीना? मेरे बेटे ने कभी रसिका के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, वही हमेशा उसे भला बुरा कहती रहती थी। हाँ सर, शादी के कुछ महीनों बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा,
लेकिन अचानक से वो नाखुश रहने लगी, बात बात पर झगड़ने लगी। जीना हराम कर रखा था सर हमारा, हमारे घर की खुशियों को भंग करके रखा था। अगर आप लोग का बेटा इतना ही बेकसूर है तो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं सर कहाँ गायब है, हमने बहुत ढूंढा उसे लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सर मुझे तो डर है कहीं रसिका ने उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। ये अच्छा है, आरोपी को ही अपराधी साबित कर दीजिए आप लोग। आप क्या कह रहे हैं सर? अशोक लेके जाओ इन दोनों को अंदर। अंदर लेके जाओ इनको। चलो सर प्लीज सर, चलो सर सुनिए, चलो अंदर। दीदी, जीजा जी बहुत प्यार करते हैं ना तुमसे? देखो रसिका, मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है। माँ ने और भाई ने तुम्हें उनके घर में नहीं रहने दिया और मुझे कहा कुछ दिन रखने के लिए। तुम्हें इस घर में रहने दिया है वो भी तरस खाकर, क्योंकि कोई और ठिकाना बचा नहीं है तुम्हारे पास। मेरे साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो, बस कुछ दिनों की मेहमान हो तुम इस घर में। मीना, मीना एक गिलास पानी देना। मीना, मीना अभी तक पार्लर से नहीं आई है क्या? नहीं। वैसे एक बात बताइए दीदी, जब इतने लंबे समय तक घर से बाहर रहती हैं तो आपका ध्यान कैसे रखती हैं? एक पत्नी को तो अपने पति का ध्यान रखना चाहिए ना। मैं कपड़े बदल लेता हूँ। हाँ वो कपड़े मैंने पहले ही बाहर निकाल कर रख दिए हैं। अरे क्या हो गया? तुम ठीक हो? क्या हुआ? चिंता की कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। शुक्रिया डॉक्टर, बच्चे जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं, उनके बिना घर सूना सूना लगता है। आप लोग बच्चे के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? हम लोग कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। अरे तो आप इन्हीं डॉक्टर से दीदी का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? ये तो दीदी को जानती भी हैं, पहले भी उनका इलाज कर चुकी हैं। इलाज? कैसा इलाज? वो दीदी को मिसकैरेज हुआ था ना, तो इन्हीं डॉक्टर ने इलाज किया था। मिसकैरेज? अरे जो कुछ किया वो तुम्हारे भले के लिए किया। अगर मैं नवीन को सब कुछ सच बता देती तो क्या वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार होता? हाँ तो मना ही करता ना, तो कर देता मना। कम से कम मुझे ये सब तो नहीं झेलना पड़ता ना। देखो माँ, झूठ की बुनियाद पे रिश्ते खड़े नहीं होते हैं। अब क्या मुँह लेकर जाऊँ उसके पास मैं? क्या जवाब दूँ? तुमने और रसिका ने मिलकर मेरी जिंदगी में आग लगा दी है। पहले उस रसिका ने भूषण को छीना मुझसे, पर अब नवीन को भड़का रही है मेरे खिलाफ। मैं जाकर नवीन से मिलूंगी, मैं उसे उसे बताऊंगी, समझाऊंगी कि तुमने तो सब कुछ सच बोलने को कहा था पर मैंने बात छुपाई। बस माँ बस, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे मैं। बहुत कर लिया तुमने और रसिका ने मेरे लिए, अब जो करूंगी मैं करूंगी। चाहे मार दे मुझे, आग लगा दे या छोड़ दे, वो इसी लायक छोड़ा है ना आप लोगों ने मुझे। मीना रुक जा, मीना बोला था ना उस रसिका को वापस अपनी जिंदगी में शामिल मत करना, देखा कर दिया ना कांड उसने। कुछ जान रहेगी ना आग ही लगाएगी।
मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नवीन रसिका रसिका खड़ी हो, ये सब किसने किया? भूषण आया है पर बेडरूम में। तुम ठीक हो ना? तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। क्या हुआ? तुमने फोन पे बताया कि कोई कोई ट्रेजेडी हो गई? हाँ वो मीना, मीना, मीना करने लगा, दीदी मुझे बचाने लगी तो गुस्से में आके दीदी को मार डाला। सर मुझे भूषण किसी भी हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। सर बेडरूम में कुछ भी नहीं मिला। नवीन अभी तुम जाओ यहाँ से। तुम इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं हो क्योंकि तुम विक्टिम के पति हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी तुम जाओ। सर ऐसे कैसे चला जाऊं मैं? खुद को अपराधी समझने लगा हूं सर मैं। इतना प्यार करता तो उससे, लेकिन उसके मरने से पहले मैंने झगड़ा कर लिया उसके साथ। झूठ बोलने का आरोप लगाया सर मैंने उसके ऊपर। यहां तक कि यह भी बोल दिया कि शादी करके पछता रहा हूं तुम्हारे साथ। माफी मांगने तक का मौका नहीं दिया सर मुझे और चली गई ये दुनिया छोड़ के। सर जब तक मैं उसके अपराधी को नहीं पकड़ लेता ना, मीना की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर पीछे कुछ मिला है, जल्दी आइए। भूषण लग रहा है ना दीदी? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। माँ को ये कहते सुना था, दीदी की पसंद मुझसे बेहतर है इसलिए मैं हमेशा दीदी की चीजों पर नजर रखती, उसको अपना बनाने की कोशिश करती। मैं पहले भूषण के साथ बहुत खुश थी, फिर मैंने देखा मीना दीदी जीजा जी के साथ मुझसे भी ज्यादा खुश है, फिर मेरा दिल जीजा जी पर आ गया। पर भूषण वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था इसलिए उसे मारना पड़ा।
मैं भूषण और दीदी को मारना नहीं चाहती थी। ये सब किसने किया? भूषण आया है पर बेडरूम में। भूषण तो नहीं है यहाँ। रसिका क्या कह रही थी? रसिका वो पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ, क्योंकि मुझे नवीन चाहिए, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह खुश रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ नवीन मुझसे भी उतना ही प्यार करे जितना तुमसे करता है, और ये तभी हो सकता है जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि लोग मेरे साथ वैसा ही सुलूक करें, उतना ही प्यार करें जितना मीना दीदी को। कभी भी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, भूषण ने भी मुझे उतना प्यार नहीं किया जितना मीना दीदी को, और आपने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम तुम्हारी बहन जैसी नहीं हो और हो भी नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि रिश्तों में लेने से ज्यादा देना होता है और तुम्हारी नजर हमेशा लेने पर होती है, इसीलिए लोगों का तुमसे लगाव नहीं हो पाता है। तुम्हारी बहन रिश्तों के मायने समझती थी, देना जानती थी, इसीलिए लोग उससे प्यार करते थे। आज वो जिंदा नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हमारे जैसे लोग उससे प्यार करते हैं। और तुम जिंदा हो मगर लोग तुमसे नफरत करते हैं और ताउम्र करते रहेंगे। अगर दुनिया में कुछ सीखना है ना तो देना सीखो। इसे ले जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं ले जाओ इसे। रसिका, क्या किया ये तुझे? कैसे किया गया है तुझसे? बोल ना, बोल। तुम मेरी गलती है। मीना हमेशा मुझसे कहती थी कि अपनी सोच बदलो, अपने तरीके बदलो, पर मैंने उसकी बात कभी नहीं सुनी। तुझे बहकाती रही, गलत गलत सीख देती रही। मैंने तुम्हें अपराधी बनाया है। मैं उन लोगों की गुनहगार। दुनिया में हर कोई किसी ना किसी मंजिल को पाने के लिए अंधाधुंध भागता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मंजिल को जीतने के लिए हम अपनी इंसानियत को हारते चले जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, एक सफल इंसान बनने की, या एक सफल इंसान बनने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बनने की? गलत तरीके से जो सफलता हमें मिलती है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन उसकी सजा लंबी और कड़ी। हमेशा खुद से सवाल पूछते रहिएगा, क्योंकि उसके जवाब हमें कभी भटकने नहीं देंगे। खुश रहिए और अपराध और आपराधिक सोच से दूर रहिए। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।